जो कार्यक्रम चल रहे हैं जिनको बौद्ध कार्यक्रम कहा जाता है, ये भारत की संस्कृति के कार्यक्रम है, भारत के इतिहास के कार्यक्रम है। तो मेरे शब्दों पर गौर फरमाइएगा साथियों, महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उन जगह फना हो जाएगा। महलों से खंडरों का वास्ता हो जाएगा, हमसे जो उन जगह फना हो जाएगा। हम जानते हैं उन्हें अपना, हम जानते हैं उन्हें अपना। जिस ओर बह निकलेंगे उस ओर रास्ता हो जाएगा, उस ओर रास्ता हो जाएगा। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं इस देश के महामानव जिन्होंने बहुजन आंदोलन को जोड़कर एक किया, जिन्होंने भारत के बहुजन महापुरुषों को एक किया, साहब मान्यवर काशीराम साहब को उनके परिनिर्वाण दिवस पर। मैं अति हतोत्साहित अति उत्साहित हूं कि आज देश विदेश से साथी यहां आए हुए और मुझे उनके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो देश के अंदर विदेश के अंदर काम करता है वो समाज के लिए समर्पित है, वो अपने धर्म के लिए समर्पित है, वो एकता अखंडता के लिए समर्पित है, वो समर्पित है, वो तब तक समर्पित है जब तक इस मूवमेंट को पीक पर ना पहुंचा दिया जाए। मैं निवेदन करता हूं तमाम मंत्री से या तमाम जितने अंबेडकर लोग फूले साहब अंबेडकर की विचारधारा के लोग यहां आए हैं कि कभी आपको भीम आर्मी के कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़े तो सिर्फ एक मिनट का आपका वीडियो छोड़ दीजिएगा, भारत के किसी भी कोने के अंदर पड़े तो वहां 10 मिनट के अंदर भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ा होगा। मैं एक वादा और करता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं, किस देश की संस्कृति को जैसे जैसे वापस लौटाया जा रहा है माननीय बंदे जी के द्वारा, यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ इस देश के कुकर मुर्गे जो मनु की औलाद है वो ये समझ पाते हैं कि वो चार लाइनों की पंक्ति लिख करके और कोर्ट में जाकर मुकदमे दर्ज कराएंगे हमारे लोगों के खिलाफ। तो मैं चुनौती दे दू उन लोगों को भी कि जहां समाज का काम हो रहा हो, जहां समता समानता की बात हो रही हो, जहां बुद्ध पैरियर की बात हो रही हो, उन लोगों को छेड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। तुम्हारे पास वकील कम होंगे लेकिन हमारे पास वकीलों की फौज है, भी देखा होगा आप लोगों फौज। ऐसा ना हो कि इस देश में लोकतंत्र है, हम पंचशील लेकर निकल जाए, जो कारवा हमने अगले 20 साल में पूरा करने का टारगेट लिया है वो कहीं हम अगले 2 साल में पूरा ना कर जाए, ऐसा ना। हमें इस काल चक्र के हिसाब से काम करने दीजिए। हमारे महापुरुषों ने बहुत शोषण सहा, तुम्हारी गुलामी बहुत सही, लेकिन आज हमारे महापुरुषों को समझ आ गया है कि सम्राट अशोक कौन थे, राजा वैद्यनाथ कौन थे, ये हम लोगों को समझ आ चुका। चिंता मत कीजिए, चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द इस देश के अंदर सम्राट अशोक का राज स्थापित होने वाला है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अभी बहुत सारी चिंताएं जैसे ईवीएम की चिंता हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने रखी, बहुत सारी चिंताएं नीचे से ऊपर तक रखी गई, तो मैं ये कहता हूं कि हम भी पढ़े लिखे लोग, हमें भी डॉक्टर वकील हैं, हमारे यहाँ के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है डॉक्टर कुलदीप भार्गव PhD गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारी पूरी टीम एजुकेटेड लोगों की टीम है, लेकिन लेकिन झुकने की हालत नहीं है। जब आपको लगे कि आज भीम आर्मी के आंदोलन की जरूरत है, अब इस देश को बंद करने की जरूरत है, जब आपको लगे कि नहीं अब बड़े बड़े घरों में बैठकर हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो साहब भीम आर्मी को आदेश कर दीजिएगा, पूरे संवैधानिक दायरे में आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए इस देश को भी बंद करेंगे और गली चौक चौराहों पर खड़े होकर चिल्लाएंगे कि अब इस देश को भी आवश्यकता नहीं, ये भी वादा करते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे महसूस भी आप लोगों ने किया होगा, मेरा दर्द भी महसूस आप लोगों को हो चुका होगा, क्योंकि रात दिन जो देखते हैं, जिस दर्द से लोग गुजरते हैं वो सब आप महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने घर से एक बच्चे को ला करके भीम आर्मी का कार्यकर्ता जरूर बना दें, ये आज के लिए सही होना हो लेकिन अगले आने वाले 10 और 20 साल के लिए ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तय हो चुका है
दिल्ली की घटना से तय हो चुका है कि जब जब आप भारत की संस्कृति बहुत दम की ओर अग्रसर होंगे तो आपके खिलाफ ना जाने तरह तरह के षड्यंत्र यहाँ की सरकारें करेंगी, ये तय हो चुका है। उस समय आपको भीम आर्मी का कार्यकर्ता आपकी ढाल बनकर आपके सामने खड़ा हुआ था। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म कर दूंगा, लाइनें बहुत पुरानी है, जो लोग मुझे सुनते हैं उनको पता भी होगा भाई ये व्यक्ति हर बार इस लाइन को कहता है। लेकिन इस समाज को जिसको शोषित वंचित कहा गया है, जिसको 90% बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने बताया था, जिसको बाबा साहब माफी जाऊंगा जिसको माननीय काशीराम साहब ने 85% कहा था, उस पर लागू होता है। क्योंकि धर्म को भी स्थापित करने के लिए एक ताकत की आवश्यकता होती है, वो ताकत लोकतंत्र के अंदर निहित बाबा साहब अम्बेडकर करके गए, उसी ताकत के लिए दो लाइन है। साथियों, बुलबुल के पंजे में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल वो 15% बुनवादी व्यवस्था के लोग जो आज हमें मूर्ति पूजा से लेकर आडंबर षड्यंत्र सब कुछ सिखाते हैं वो लोग, और बाज ये जो आवाम सामने बैठी हुई, जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बार बार एक ही बात कहते हैं कि मानव मानव एक समान, बुलबुल के पंजे में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होता, बुलबुल के पंजे में कभी बाज नहीं होते, बुजदिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते, ताज नहीं होते, ताज नहीं होते। शुक्रिया, जय भीम, जय भीम।